हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थ्री आर्मी पब्लिक स्कूल से एक साथ एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। टीचर वैकेंसीज हैं जिसमें कि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी पोस्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट्स हैं लगभग। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट। आर्मी पब्लिक स्कूल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। जो भी एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, बाहर के स्टेट के भी कैंडिडेट हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। परमानेंट पोस्ट है। सबसे अच्छी बात यह कि रेगुलर पोस्ट तो आर्मी पब्लिक स्कूल से आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर तीनों स्कूल से परमानेंट वैकेंसीज ही हैं। सैलरी पे स्केल ऑफर की जाएगी, क्योंकि परमानेंट रेगुलर पोस्ट है इसलिए पे स्केल ऑफर की जा रही है। बाकी की सभी डिटेल्स आगे कवर करते हैं। पीजीटी के सब्जेक्ट हैं टीजीटी के, पीआरटी के बेसिक पे एडब्ल्यूईएस नॉर्म्स के हिसाब से दिए जाएंगे, और फिर डीए भी दिया जाएगा और एचआरए भी दिया जाएगा। तो कुल मिला के 45,000 पीआरटी के लिए, इसी तरीके से टीजीटी के लिए आप 50 के अराउंड, और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 60-65 के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और कहाँ से ये नोटिस रिलीज की गई है। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है कंबाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड सीएसबी रेगुलर, मतलब परमानेंट पोस्ट है, एपीएस मथुरा कैंट से। पीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन। इसके बाद तो पीजीटी में इतने सारे सब्जेक्ट हुए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन। ये एक आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा से। फिर इसी में एपीएस मथुरा में ही ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स। पीआरटी में ड्राइंग एंड पेंटिंग, एंड पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट भी है। फिर दूसरी जो नोटिफिकेशन है वो है आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर, रेगुलर पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड सोशल साइंस, पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट। और थर्ड वैकेंसी है आर्मी पब्लिक स्कूल, ये भी रेगुलर है मीन्स परमानेंट, ओल्ड कैंट प्रयागराज, ये टीजीटी हिंदी। तो जैसा आप समझ गए होंगे, मथुरा, कानपुर और प्रयागराज ये सभी उत्तर प्रदेश से हैं। तो उत्तर प्रदेश से ही तीन स्कूल है आर्मी पब्लिक स्कूल, उनसे नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। तो सब्जेक्ट की डिटेल आपने देख ली, इसकी लास्ट डेट हम देखेंगे। सैलरी मैंने आपको सबसे शुरू में बताया, आप देख लें। और इसमें एप्लीकेशन कैसे करनी होती है देखें, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट दी होती है ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको ये जो ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, तो ये डाउनलोड कर ले या टाइप कर ले और डाउनलोड कर ले, और उसके बाद फिर या फिर आप डाउनलोड करने के बाद इसमें हाथ से लिख लें। और इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर डिटेल्स कैन बी ऑब्टेन बिटवीन फ्रॉम द स्कूल ऑफिस ऑन ऑल वर्किंग डेज। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट, तो वेबसाइट पर है, वो डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में डिमांड ड्राफ्ट 100 रुपीज़ की इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट, एंड ऑल एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस। इसमें फ्रेशर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फ्रेशर भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल में 10th ऑनवर्ड्स जो भी आपके मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होते हैं वो होनी चाहिए, 10th के पासिंग सर्टिफिकेट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उससे जो है वो वेरीफाई करते हैं डेट ऑफ बर्थ और बाकी की कुछ चीज़ें। ये सारी चीज़ें अटैच करके, डिमांड ड्राफ्ट बना के, एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करके, फिल करके, ये सारी चीज़ें आपको भेज देनी होती हैं। मस्ट बी सेंड टू आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट, इसी एड्रेस पर भेजना होता है। 29 दिसंबर 2022 तक आपकी एप्लीकेशन पहुँच जानी चाहिए। ईमेल से जो एप्लीकेशन भेजेंगे वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ये अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अभी इतना समझ आ रहा है कि अगर फ्रेशर हैं आप, सपोज आपको 0 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक की एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स, 40 साल। जो फ्रेशर हैं या जिनको 0 to 5 ईयर्स की वर्क एक्सपीरियंस है उनके लिए अपर एज लिमिट है, उन कैंडिडेट्स के लिए 40 ईयर्स। और अगर आप 5 ईयर्स या अबव आपके पास एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट है 57 ईयर्स। चलिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए विद बीएड 50% मार्क्स दोनों में होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 50% एंड बीएड में भी 50%। शुड हैव पास्ड ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम कंडक्टेड बाय एडब्ल्यूईएस एंड शुड बी इन पोजेशन ऑफ ए वैलिड स्कोर कार्ड। तो आप सभी को पता होगा या कुछ कैंडिडेट को नहीं पता तो मैं बताऊँ, आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने के लिए AWES एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, और जो एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं उनको CSB स्कोर कार्ड दिया जाता है। ये 3 साल तक वैलिड रहता है, मतलब अगर 2022 में आप अप्लाई कर रहे हैं तो 2020, 21, 22 किसी भी ईयर आपने पास किया, 2020 में, 21 में या 22 में,
तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक स्कोर कार्ड होनी चाहिए आपके पास, जो भी है क्वालिफाई, मतलब आप एग्जाम में अपियर भी हुए, स्कोर कार्ड है आपके पास, तो फिर ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, इसके लिए स्कोर कार्ड नहीं मांगी जा रही है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में के साथ में ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, 50% मार्क्स दोनों में होना चाहिए, ग्रेजुएशन एग्रीगेट या एंड बीएड में। इसके बाद फिर सीटेट या टेट होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में, क्योंकि अभी ये परमानेंट पोस्ट है तो इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है। और सीएसबी स्कोर कार्ड होनी चाहिए। अभी जैसे आपको बताया कि 3 साल वैलिड रहते हैं सीएसबी स्कोर कार्ड, आपके 2020 का है या फिर 21 का है या 22 का है, तीनों भी चलेंगे। इसके बाद पीआरटी, इसके लिए ग्रेजुएट होना होगा, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर बीएड किया हुआ है, 50% मार्क्स दोनों में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर वन या फिर टेट, क्योंकि उत्तर प्रदेश का है तो यूपी टेट या फिर सीटेट आपने क्वालिफाई होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में। AWES जो है यहाँ पर, इसमें तो नहीं दिखाई दे रही है, बट AWES की यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है, बट है तो ठीक है। तो इस तरीके से सैलरी के लिए मैंने आपको बताया, एज पर AWES नॉर्म्स बेसिक पे रहेगी और DA भी मिलेगा और HRA भी मिलेगा। तो PRT के लिए 45,000 के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसी तरीके 50-52 के अराउंड TGT के लिए एंड 60-65 के अराउंड 1,000 के अराउंड पर मंथ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैलरी। अब जो भेजना है वो जो अपने पोस्ट ऑफिस होती है गवर्नमेंट वाली, उससे आप जाकर नॉर्मल पोस्ट कर दें, अगर आपको लग रहा है 29 दिसंबर तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी तो स्पीड पोस्ट कर दें, ऐसा है। बाकी क्या क्या अटैच करना है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। लास्ट डेट 29 दिसंबर है ऑफलाइन मोड में, इसलिए अगर वाकई में आप इंटरेस्टेड एलिजिबल है, क्योंकि परमानेंट पोस्ट है इसलिए। चलिए एक बार वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, AWES आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसे मैंने वेरीफाई नहीं किया, एक बार वेरीफाई कर लें, लेकिन सही लग रहा है वेबसाइट। इसमें लेटेस्ट न्यूज़ में ही मुझे मिल रहा था, जैसे लेटेस्ट न्यूज़ में थोड़ी देर वेट करेंगे तो देखें, मैंने डाउनलोड भी किया है इसी से। क्लिक हियर टू डाउनलोड आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ में, क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CSB 2023। थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेते नहीं तो। तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ में क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CSB 2023 एंड इसके बाद है एडवर्टीजमेंट ऑफ कंबाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड 2023। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ये एडवर्टीजमेंट है ये आपको डाउनलोड कर लेना है। CSB स्कोर कार्ड इसमें चाहिए, परमानेंट पोस्ट है, पे स्केल दी जा रही है गवर्नमेंट की, AWES की जो नॉर्म्स रहते हैं उसके हिसाब से। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, फ्रेशर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस है तब भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी, बाकी की सभी डिटेल्स के लिए वीडियो को अच्छी तरीके से आप देखें, मैंने मोस्टली सभी चीज़ें वीडियो में कवर कर दी हैं, परसेंटेज क्या क्या किस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, आपको लिंक मिल जाएगी। फिर भी एक बार वेरीफाई कर लें अप्लाई करने के पहले। कॉन्टैक्ट अस में जाके आप एग्जैक्ट देख सकते हैं, 3 स्कूल से आई है, मथुरा से, कानपुर से और प्रयागराज से। कॉन्टैक्ट अस में जाके हम देख लेते तो एग्जैक्टली आपको पता चलता है कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या रहेगा। तो मैंने कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया हुआ है तो फिलहाल अभी कुछ नज़र एग्जैक्टली नहीं आ रही है, बट हाँ मथुरा यूपी उत्तर प्रदेश, मथुरा कैंट मथुरा उत्तर प्रदेश। तो मथुरा, प्रयागराज और कानपुर उत्तर प्रदेश में 3 आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसीज हैं।